दोस्तों, आज मुझे खुद को यूट्यूबर बोलने में काफी शर्म महसूस हो रहा है। इसलिए जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ यूट्यूब में डेली, जैसे एक आपका चैनल है, इतनी अश्लीलता जिसे हम लोग नग्न प्रदर्शन बोलते हैं, वो वीडियो पब्लिश हो रहा है। काफी सारे यूट्यूबर उसे देख रहे हैं, काफी सारे नया यूथ जो है उसे देख रहे हैं। उसके साथ वो लोग घर में बैठ के, उसको माँ बाप के साथ, वो कभी भी ये सब वीडियो नहीं देख पाएंगे। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारे नया यूथ, नया जेनरेशन के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग काइंडली इसको सतर्क रहिए और सचेतन रहिए, और ऐसे टाइप के वीडियो, ऐसे टाइप के चैनल को आप लोग जरूर रिपोर्ट कीजिए, ताकि ये चैनल नेक्स्ट टाइम में ऐसा टाइप का कंटेंट अपलोड ना कर पाए। ये मेरा फर्स्ट थिंग है। और जो सेकंड में देख रहा हूं, काफी सारे, जैसे रात जब भी 11 बजे हो जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं जो कुछ ऐसे लाइव स्ट्रीम चालू हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे जगह के, वहां पे भी वैसा ही ठीक है, माने थिंग्स चल रहा है, आपका नग्न प्रदर्शन हो रहा है, काफी सारे बातें किए जा रहे हैं लाइव में। ये सब हम लोग का नया जेनरेशन, जो नया यूट्यूबर है, नया बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, आप माँ बाप के साथ वो सब कंटेंट नहीं देख पाओगे। तो ये सब चैनल को आप लोग जरूर रिपोर्ट करो, जो नेक्स्ट टाइम में ये सब ना लाइव आ पाए, ना ही हमारे समाज को गंदा कर पाए। और नंबर 3, मैं यूट्यूब को हमेशा बोलना चाहूंगा, जो यूट्यूब हर एक चीज को पकड़ लेता है, एकदम सही बात है। अब कुछ रीयूज कंटेंट करोगे, उसको भी यूट्यूब पकड़ लेता है। कोई कॉपीराइट कंटेंट करोगे, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। कोई कोई कॉपीराइट आपका स्ट्राइक दे देता है, सब कुछ। पर ये यूट्यूब के एल्गोरिदम पकड़ नहीं पा रहा है, जे एक समाज को जो ध्वंस करने वाल करने के लिए ये सब चैनल आ गए हैं, ये सब चैनल आए गए हैं हम लोग का नया यूथ, नया जेनरेशन को, उसका जो दिमाग है, उसका जो मेंटल ये है, उसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए। आप लोग काइंडली इस मैटर को सोचिए, इसको मैटर को देखिए, नहीं तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। अभी जो चैनल में हो रहा है, अभी जो यूट्यूब में हो रहा है, ये एक एक दिन, ये दिन बाय डे बाय डे ये बढ़ेगा, ये कमेगा नहीं, घटेगा तो ये बिल्कुल ही नहीं। आप लोग काइंडली, मैं सभी, हर एक नया जो यूट्यूबर है, मैं सभी को बोलूंगा, और जो लोग ये सब चीज पब्लिश कर रहे हो अपने चैनल में, आप लोग काइंडली उसको पब्लिश मत करो। पहले तो हम लोग सोचते थे जो फेसबुक एक गंदा ये है, जो उसमें काफी सारे ये सब वायलेशन और ये तो न्यूडिटी, ये सब सब कुछ दिखाया जाता है। अब यूट्यूब भी हो गए हैं, 10-11 बजे के बाद ऐसा टाइप का कंटेंट डेली, आप डेली अगर लाइव स्ट्रीम को स्क्रॉल करते रहोगे, आप देखते रहोगे, उसमें 10 में से 7-8 आपका लाइव स्ट्रीम ऐसा टाइप का ही कंटेंट आपको मिलेगा। ये लोग कहां से आए हैं, क्या चीज के लिए कर रहे हैं, ये लोग को खुद भी पता नहीं है। कौन सा देश, कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा प्लेनेट से ये लोग आए हैं, मुझे पता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत व्यूज के लिए अपने आप को गिरा देते हैं, अपने परिवार को गिरा देते हैं। वो लोग डायरेक्ट आपका लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, क्या चीज के लिए करते हैं, क्या व्यूज के लिए करते हैं, क्या यूट्यूब के लिए करते हैं, मुझे पता नहीं है भाई साहब। इसलिए मैंने इसको रात में शूट करने का ये किया है, जो मेरा भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है, मैं इसको सबके सामने में मैं इसको शूट नहीं कर पाऊंगा। इसके वजह से मेरे को अकेला अलग सा एक जगह आपको ये करके मुझे ये शूट करना पड़ रहा है। मैं बहुत ही आज मैं चिंतित हूं इस बारे में, और ये बहुत ही गंभीर एक विषय है। आप लोग काइंडली इसको सोचिए, काइंडली इसके बारे में आप लोग रिपोर्ट कीजिए। जितना भी ये चैनल लोग, जितना भी ये सब करते हैं, उसके ऊपर में जो भी कुछ देखिएगा, जो कोई हमारे समाज के लिए वो कलंकित करना चाहते हैं, हमारे समाज के जो यूथ है उसको ध्वंस करने माने करने के लिए वो माने एकदम आगे में आगे हैं, वो लोग का चैनल को इमीडिएट आप लोग रिपोर्ट कीजिए, ताकि यूट्यूब वो चैनल को डीएक्टिवेट कर सके। मुझे यही बोलना था। आप लोग काइंडली इसको सतर्क रहिए, इसको जानिए, इसको पहचानिए, और जितना भी है आप लोग अच्छा से इसको देखिए, एकदम मैं सही से बोल रहा हूं भाई साहब। नहीं तो हम लोग का बच्चा, हम लोग का फैमिली, हम लोग कभी भी माने यूट्यूब में ये चीज हमको एकदम अच्छा नहीं लगा, जी डे बाय डे ये पहले हम लोग का क्या था, पहले हम लोग सोचते थे जहां ठीक है, ये फॉरेन कंट्री में सब होते हैं, जी एवरीबॉडी इज मेंटल प्रिपेयर,
ये फॉरेन कंट्री तक ये सीमित था, अभी ये इंडिया में आ चुका है और ये इंडिया में आके हर एक आदमी को, हर एक परिवार को, हर एक नया यूथ को, छोटे बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े तक सभी को ये ध्वंस कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ये सब चीज। वो लोग क्यों कर रहे हैं उसको खुद को भी पता नहीं है, ओनली फॉर द व्यूज। और वो लोग को ना ऑर्गेनिक व्यू मिलेगा ना कुछ मिलेगा। वो लोग अपने आप को ये नग्नता प्रदर्शन करके वो लोग समाज को क्या उदाहरण देना चाहते हैं उसको खुद को भी पता नहीं है भाई। मैं आज में बहुत दुख से ये बात बोल रहा हूं आपको। मैं काफी दिन से मैंने ये चीज तो नोटिस किया, उसके बाद मैंने पास स्क्रॉलिंग करते करते यूट्यूब में आप लोग सभी स्क्रॉलिंग करते हो, सभी स्क्रॉलिंग करते करते देखते हो जे ऐसा टाइप का अगर चैनल आता है तो मुझे काफी नाराजगी और काफी शर्म महसूस होती है ये सब देखने के लिए। क्योंकि वो चैनल जो मैं देख रहा हूं मेरा बच्चा भी एक दिन देखेगा, फिलहाल वो भी छोटा है, मैं फैमिली के साथ बैठ के वो कभी भी स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा कुछ आ जाए तो। और रात में तो आप डेली देखोगे, रात में 10-11 बजे के बाद ये सब टाइप का चीज होते रहते हैं यूट्यूब में। तो इसके खिलाफ में आपको सभी जितने भी जनता है, जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूअर्स है, जिसका फैमिली है उसका अपने फैमिली को अच्छे से वो लोग अपने बच्चे को अच्छा से शिक्षा देके अच्छा से कुछ भविष्य में कुछ उन्नति करने के लिए सभी चैनल को देखते हैं, सभी सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते करते अगर ये सब चीज बीच में आ जाता है, अगर वो बच्चा उसको देख लेता है, हालांकि वो बच्चे एक छोटे बच्चे को कहां से ये सब मालूम होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग का पहले से ही इसको सचेतन होना है और उस चैनल को नॉट इंटरेस्टेड हम लोग को तो करके देना है। जब हम लोग इस चैनल में इंटरेस्ट नहीं, आप लोग 3 डॉट में जाइएगा उस चैनल का, वो चैनल का लिंक जब आपके सामने स्टार्ट होगा तो आप लोग 3 डॉट में जाके उसको नॉट इंटरेस्ट कर देना और इस चैनल को रिपोर्ट कर देना। और रिपोर्ट में अगर वो कोई डिस्क्रिप्शन मांगे तो आप लोग काइंडली उसे लिख देना जे ये सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं और ये जो कॉन्टेंट है ये यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है ये कॉन्टेंट, और हमारे जितने भी बच्चे है, बूढ़े है, फैमिली है, ये वायलेशन हो रहे हैं ये चैनल की वजह से। इसमें नग्नता, न्यूडिटी सभी इसमें दिखा रहे हैं। तो आप लोग काइंडली इसको थोड़ा देख के यूट्यूब को आप लोग सभी आदमी मिलकर अगर हम लोग एक साथ में होके इसके ऊपर में हम लोग आंदोलन करें या तो इसके ऊपर में हम लोग प्रतिवाद करें तो इन फ्यूचर में ये जो भी ये सब चैनल लोग कॉन्टेंट बनाते हैं ये लोग 10 बार सोचेंगे जी हाँ अपना कॉन्टेंट बनाने के लिए हमको अच्छा कॉन्टेंट देना पड़ेगा। बकवास कॉन्टेंट, ये सब न्यूडिटी नग्न वाला कॉन्टेंट नहीं चलेगा, कि ये हम लोग का सोसाइटी को खराब कर रहा है, हमारा नया यूथ को खराब कर रहा है, न्यू जनरेशन का खराब कर रहा है। सो आप लोग काइंडली सबको सपोर्ट कीजिए, आप लोग आइए, उसके बाद हम लोग एक साथ में मिलके इसको फाइट करेंगे जे यूट्यूब में ये नहीं होना चाहिए। और आप लोग सभी ये सब चैनल अगर कुछ भी आप लोग देखते हो उसको आप लोग इमीडिएट रिपोर्ट करो जे इस चैनल में ये सब नग्नता न्यूडिटी सभी भरपूर भरे हुए हैं। यह तक ही बोलना था दोस्तों, अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, सतर्क रहिए। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, फिर नया कंटेंट लेके मैं जरूर आपके पास में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।